एवरीवन, आप सभी का एडुस्टब के इस लाइव सेशन में वेलकम करती हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत आभार देती हूँ कि आप आज मुझे सुनने वाले हैं। सभी फ्रेंड्स जुड़ जाएं तो हम अपनी बात शुरू करें। जैसे कि आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है, कल बकरीद, आज फ्रेंडशिप डे और कल रक्षाबंधन। तो इन सभी चीज़ों की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी के ये सारे फेस्टिवल अच्छे से गुजरें। आज जुड़ने वाले मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हम सभी आज इस लाइव सेशन में एक स्टोरी सुनने वाले हैं। कहते हैं कहानियाँ जो है बहुत अहम किरदार निभाती हैं एक बच्चे के विकास में। उससे पहले, अपनी स्टोरी को शुरू करने से पहले, मैं एडुस्टब की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया हुआ है जिससे टीचर्स के जो छुपे हुए टैलेंट हैं वो सामने निखर के आ रहे हैं और हम सभी इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं वो इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें, सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएं, तभी कोई टीम अच्छे से काम कर सकती है। आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इस पेज पे आऊं और एक स्टोरी सुनाऊं। तो कहानियों का तो हम सभी के जीवन में बहुत महत्व होता है। हमारे बच्चे बहुत ही मनोरंजन से ये कहानियाँ सुनते हैं, खुश होते हैं, सीखते हैं और हमारी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इसीलिए रखी जाती हैं ताकि बच्चे उनसे कुछ शिक्षा लें। और उन्हें अपने लोग कितनी कहानियाँ सुनते हैं, जैसे नानी दादी की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, राजा रानी की कहानी। तो ये कहानियाँ हमारे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ती हैं और कुछ कहानियाँ तो ऐसी होती हैं जो हमें ता जिंदगी याद रखती हैं और उनसे जो हम शिक्षा सीखते हैं, जो हमें शिक्षा मिलती है वो भी हमारे जीवन में उपयोगी होती है। तो हम पाठ्य पुस्तक की एक बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी कहानी, बहुत ही सरल सी कहानी, लेकिन कहानी सरल जरूर है लेकिन इसकी शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है और इसे सुन करके अपने जीवन में उतारना है हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। इसी तरह वो नई नई कहानियां सुने और कुछ सीखें। कहानी के सुनाने से पहले आपको ये एक गुफा दिख रही है, ये गुफा सुंदर है, डेन। तो इसमें ज्यादातर शेर रहता है लेकिन अब ये गुफा जो है ये शायद बोलने वाली गुफा है। अब ये गुफा बोलती कैसे है इसका रहस्य तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुंदरवन नामक एक गांव था, वहां पर पास में एक जंगल था। उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते थे और एक बहुत ही ज्यादा शेर रहता था, खूंखार वाला, जो कि सभी जंगली जानवरों को मार मार के खाता रहता था। और जानवर उसके आतंक से इतना परेशान थे कि अपने प्राण बचाने के लिए छुप छुप के रहते थे कि कहीं आज मेरे प्राण ना चले जाए, शेर मुझे ना खा जाए। इसी वजह से ये शेर कई दिनों से भूखा था और इसे भोजन ही नहीं मिल पा रहा था। भोजन की तलाश में ये बहुत दूर निकल जाता है, कहीं इसे कुछ भोजन नहीं मिलता। तभी काफी दूर निकलने के बाद इसे दिख जाती है एक गुफा और वो गुफा मेरी बड़ा सुंदर होती है। उस गुफा के द्वार खुले होते हैं। जब शेर उस गुफा को देखता है तो वो सोचता है कि ये गुफा तो किसी जानवर की लग रही है, मुझे यहाँ पर अपना भोजन मिल सकता है, क्यों ना मैं इस गुफा के अंदर चला जाऊं और इसके अंदर जो भी जानवर हो मैं उसे खा के अपनी भूख मिटाऊं। शेर जैसे ही गुफा के अंदर जाता है गुफा खाली होती है, वहां कोई नहीं होता। तब ये सोचता है कि ऐसा करता हूं कि मैं रात तक यहीं विश्राम करता हूं और जैसे ही कोई जानवर आएगा मैं उसे खा के अपनी भूख मिटा लूंगा। और शेर गुफा के अंदर आराम से छुप के बैठ जाता है और इंतजार करता है अपने शिकार का। थोड़ी देर में रात हो जाती है और अंधेरा पूरे जंगल में फैल जाता है। सिर्फ चांद की हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है और उसी रोशनी में एक लोमड़ी जो कि बड़े मस्त चालों से चलती हुई अपनी गुफा की तरफ आती है।
तो ये गुफा थी इस लोमड़ी की। कहते हैं कि लोमड़ी बड़ी तीव्र बुद्धि की होती है और ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है। अब देखते हैं ये क्या करती है। लोमड़ी जैसे ही अपनी गुफा की तरफ आ रही होती है कि उसे अचानक से नजर पड़ती है कि अरे जमीन पे तो किसी के पैरों के निशान हैं। अरे लगता है कि मेरी गुफा में कोई आया है। इसकी बुद्धि काम कर जाती है। फिर ये चारों तरफ ढूंढती है कि मुझे आते में तो पैरों के निशान मिले हैं लेकिन जाते वक्त के निशान तो नहीं मिले। इसका मतलब कि मेरी गुफा में कोई ना कोई जानवर तो छुपा बैठा है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि गुफा में कौन है? इसे एक तरकीब समझ में आती है। ये सोचती है मैं अब गुफा से बात करके ही पता करूंगी। अब लोमड़ी बोलती है तेज आवाज में, ओ गुफा, मेरी प्यारी गुफा, कहो सब ठीक है ना? क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब गुफा कैसे बोलती? शेर अंदर से सारी बातें सुन रहा था। वो बिल्कुल चुप रहता है और लोमड़ी सोचती है कि अब कैसे पढूं। फिर से पुकारती है, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, तुम चुप क्यों बैठी हो? रोज तो तुम मुझसे बातें करती हो। तुम जब तक मुझे नहीं बुलाओगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी, कभी शांत नहीं रही, मेरे पूछने पे उत्तर देती थी, अब क्या हो गया? फिर शेर चुप। वो सोचता है शेर कि क्या सच में ये गुफा इस लोमड़ी से बातें करती रही होगी? कुछ माजरा नहीं समझ में आ रहा। लोमड़ी फिर तेज आवाज में बोलती है, लगता है गुफा तुम्हारे अंदर कोई खूंखार जानवर छुप के बैठा हुआ है, तभी तुम आज चुप हो। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूं। अब शेर बड़ा परेशान कि ये तो मेरे हाथ में आया हुआ शिकार चला जाएगा, मैं क्या करूं? शेर जो है सोचता है कि लगता है सच में ये गुफा इस लोमड़ी से बात करती थी और आज मेरे डर की वजह से बोल नहीं रही है। तो जानवर तो इतना बड़ा लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ी कम। अब शेर क्या करता है जानते हो? शेर अपनी आवाज बदलता है कि कहीं मैं पहचाना ना जाऊं, और अपनी आवाज बदल के बोलता है, अरे लोमड़ी बहन, कहीं मत जाओ, मैं जरा सो गई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, सब ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो। जैसे ही शेर ये बात बोलता है लोमड़ी तो समझ ही जाती है कि हो ना हो अंदर शेर है और ये पंजों के निशान इसी शेर के हैं। अब क्या बोलती है जानते हो? लोमड़ी कहती है, अच्छा तो आप हैं, जिस तरह शेर कभी घास नहीं खाता वैसे ही गुफा कभी नहीं बोलती। हुजूर आप अंदर ही विश्राम करिए, मैं तो चली, शुभ रात्रि। तो लोमड़ी जो थी इतना कह के बहुत ही तेज आवाज में वहां से भाग निकलती है और सर पे पैर रख के बड़ी तेजी से दौड़ती है और सोचती है कि अगर मुझे ये बोलने वाली गुफा वाली तरकीब ना समझ में आई होती तो आज तो ये शेर मेरा चीर फाड़ कर डालता और मैं आज ना होती जिंदा। तो लोमड़ी अपनी जान बचा लेती और शेर वापस से भूखा ही रह जाता है, उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। तो हमें क्या समझ में आया इस कहानी से कि मुसीबत पड़ने पर अपना संयम ना खो करके हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो बुद्धि दी है इसका हमें सही जगह पर सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। और छोटी सी समझदारी जान बचाएगी हमारी। अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि हम छोटी छोटी समस्याओं में उसका समाधान ना ढूंढते और उसे और बड़ा बना देते हैं और समस्या में ही जूझते रह जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस फॉक्स ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा ली, इस तरह हम भी अपने आने वाले जीवन में अपनी हर समस्या से खुद को बचा सकते हैं। तो ये कहानी आपको यही शिक्षा देती है कि ईश्वर की दी हुई बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। तो बच्चों इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में उतारो। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे आज इतने ध्यान से सुना और मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमारे फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जितना भी पॉसिबल हो उतना, क्योंकि लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता, एक लाइक कोई हमें टैक्स से तो नहीं मिलता ना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जितना पॉसिबल हो उतनी बार देखें और कुछ नया सीखें, क्योंकि सीखने का क्रम तो जीवन पर्यंत चलता है।
जितना देखेंगे उतना सीखेंगे और हमारा दिमाग भी बढ़ेगा। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी आसिया मैम आप सभी से मिलके बहुत खुश हुई है। आप सभी के कमेंट्स हम इत्मीनान से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।